सोम सरोवर गांव अपनी खूबसूरती और भाईचारे के लिए मशहूर जाना जाता था। सभी गांव वाले यहां खुशी खुशी रहते थे, लेकिन अमावस्या की उस रात एक ऐसा हादसा हुआ कि इस गांव पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शाम से ही मौसम खराब होना शुरू हुआ और रात होते होते तूफानी हवाएं चलने लगी। ये तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है, लगता है कि बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। ऐसा मत बोल भाई, अगर जोरों की बारिश आई तो फसल खराब हो सकती है। अभी सब गांव वाले इस बात को लेकर परेशान ही हो रहे थे, जिसका डर था वही हुआ। रात होते होते जोरों की बारिश शुरू हुई और फिर घंटों तक तूफानी हवाएं और धुआंधार बारिश होती रही। इस पूरी रात गांव में कोई नहीं सो पाया। उस तूफान में कई घर भी तबाह हो गए और जितने भी खेतों में फसल बोई गई थी वो सब खराब हो गई। अगले दिन तूफान शांत तो हुआ, लेकिन अब गांव के लोगों के गम का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ लोग एक साथ होकर सेठ की कोठी पर पहुंचे। सेठ जी, कल रात के तूफान के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, हमारी सारी फसल खराब हो गई है और बहुत नुकसान हुआ है। अब हमारे भूखे मरने के दिन आ गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे होते हुए मेरे गांव के लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। सुनकर सब गांव वाले खुश हो गए और सेठ ने अपने आदमियों से कहा, जल्दी ही हमारे गांव के लिए सब्जियां मुहैया कराने का काम शुरू करो। चाहे हमें शहर से सब्जी मंगानी पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जैसा कहें हुकुम। इसके बाद सेठ ने गांव वालों को और भी बहुत दिलासा दिए और फिर वो लोग खुशी खुशी वहां से चले गए। उनके जाते ही वो अपने आदमियों से बोला, पड़ोस के गांव से बात करके देखो कि वहां से कुछ इंतजाम होता है या नहीं, वरना हमें दूर के गांव से बात करनी पड़ेगी। लेकिन सेठ जी, वो हमें सब्जियां पहले ही ज्यादा दामों पर देंगे, फिर आप उसको गांव में कितने दामों में बेचेंगे? गांव वालों के बारे में बाद में सोचना है, ये किसान तो आजकल रोज ही मरते हैं, इनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पहले मैं अपने घर और रिश्तेदारों का पूरा करूंगा, उसके बाद जो बचा उसको गांव वालों को ऊंचे दामों में बेच दूंगा। उसी रात गांव का बाजार जो अब खत्म हो चुका था, उसमें एक औरत नजर आई जो कि जमीन पर बैठी बैंगन बेच रही थी। पहले एक गांव वाले ने उसको देखा, फिर दूसरे ने। इसी तरह वहां काफी लोग जमा हो गए और उससे पूछने लगे, अरे अम्मा, भारी तूफान की वजह से कितना नुकसान हुआ है, आसपास के गांव की फसल भी बर्बाद हो चुकी है, फिर तुम्हारे पास ये बैगन कहां से आए? तुम लोग ये समझ लो कि तुम्हारी मदद के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। अब जिस जिस को भी जरूरत है वो मुझसे बैंगन खरीद सकता है। सुनकर सभी खुश हो गए और फिर सभी उससे बैंगन खरीदने लगे। थोड़ी देर बाद जब सेठ के दो आदमी वहां से गुजर रहे थे तो उन्हें भी उसका पता चला। इस बुढ़िया से कोई कुछ नहीं खरीदेगा। सुनकर सभी चौंक पड़े। लेकिन क्यों? दूर दूर तक के गांव में फसल नहीं है, फिर इसके पास ये बैंगन कहां से आए? जरूर ये पास के गांव से हमें नुकसान पहुंचाने के इरादे से आई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस गांव वालों की मदद करना चाहती हूँ। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसके सारे बैंगन यहाँ से उठाओ और जीप में रखो। पहले सेठ जी के पास जाकर इसकी जांच होगी, उसके बाद ये सही हुए तो इनको गांव वालों में बांट दिया जाएगा। गांव वाले उनको रोकना तो चाहते थे, लेकिन रोक नहीं पाए। वो सारे बैगनों को जीप में लाद कर ले गए और फिर सेठ के पास ले जाकर सब कुछ बताया। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, अगर वो औरत सबके घरों में इस तरह से सब्जी पहुंचा देती तो गांव वालों पर एहसान चढ़ाने का मौका मेरे हाथ से निकल जाता। तो अब इन बैंगनों का करना क्या है मालिक? करना क्या है, गांव वालों को बता देंगे कि वो जहरीले बैंगन थे और इन बैंगनों को हमारे खाने के लिए इस्तेमाल कर लो। वैसे भी घर में जरा सी भी सब्जी का स्टॉक नहीं है।
उस दिन सभी के लिए बैंगन की सब्जी बनाई गई और फिर डिनर के लिए सभी डाइनिंग टेबल पर जमा हो गए, सेठ, सेठानी और उनका बेटा रघुवीर। डिनर के बाद सभी अपने अपने कमरे में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद रघुवीर, जो कि अपने कमरे में सो रहा था, उसको अचानक से पेट में दर्द शुरू हुआ। वो चीखने चिल्लाने लगा और बेड से खड़ा हो गया। वो दरवाजे की तरफ गया तो अचानक से उसके सामने वही बैंगन वाली औरत आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। कौन हो तुम? सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल कर हरा हो गया, उसके दांत बड़े होकर होठों के ऊपर निकल आए और आंखें लाल लाल चमकने लगी। वो चुड़ैल उस पर झपटी और उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ाकर उसका खून चूसने लगी। कुछ ही देर में उसका शरीर एकदम से नीला पड़ गया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। तभी सेठ के पेट में भी दर्द होना शुरू हुआ और वो चिल्लाता हुआ नींद से जागा। उसकी चीख सुनकर सेठानी भी नींद से जाग उठी। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरा पेट। इतना कहकर वो बेड से उठना चाहता था, लेकिन तभी कमरे की लाइट चली गई और अंधेरे में उनको वही चुड़ैल का भयानक चेहरा नजर आया, जिसको देखकर दोनों की चीखें निकल गईं। सेठ, कुछ याद आया तुझे? या याद दिलाऊं? कौन हो तुम? क्या ये क्या कह रही है? कुछ महीने पहले मैं नशे में धुत अपनी जीप से घर की ओर आ रहा था। उस रात बाजार पूरा बंद हो चुका था, लेकिन ये उस टाइम भी बैगन बेच रही थी। मुझसे जीप कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और अचानक से गलती से मुझसे इसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने जीप से बाहर निकलकर देखा तो ये मर चुकी थी। मेरे पास खुद को बचाने के लिए कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने अपने आदमियों को बुलवाकर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। सुनकर सेठानी चुड़ैल से बोली, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मैं खुद उनको पुलिस को दे दूंगी, लेकिन इनको अभी छोड़ दो इनको अभी। बात सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारा पूरा परिवार सिर्फ अपने बारे में सोचता है, गांव की भलाई के बारे में तुम लोग जरा भी नहीं सोचते, सिर्फ सरपंच बनने के ख्वाब देखते हो। कहकर चुड़ैल ने पहले सेठ पर हमला करके उसके पेट में अपना तेज धार नाखूनों वाला पंजा दे मारा, फिर भयानक आवाज करते हुए सेठानी की गर्दन पर अपने दांत गाड़ कर उसका खून चूस लिया। उन दोनों की मौत के बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। बदला पूरा हुआ, कहकर वो वहां से गायब हो गए। सेठ के परिवार वालों की मौत कैसे हुई ये किसी को पता नहीं चल पाया। चुड़ैल ने अपने सही रूप में आकर फिर से बैंगन बेचना शुरू किए। जब तक गांव की हालत फिर से ठीक नहीं हो गई, चुड़ैल रोजाना बैंगन बेचती रही। और फिर एक दिन जब गांव की हालत फिर से अच्छी हो गई, वो लोगों को नजर आना बंद हो गई। लेकिन आज भी गांव के किसी घर में राशन खत्म हो जाता है और उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, तो चुड़ैल रात ही रात में उनके घर में अपने बैगन पहुंचा देती है। लोगों का मानना है कि बैगन वाली चुड़ैल अभी भी गांव के लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है।